कहिया एक धुन और बहुत प्यारी बजी। कौन सी बेटा कौन सी? कि लगता है मेला न जाने कहाँ। गाना बजाना फिर हम कहते बिल्कुल तुम्हारे हम गाने के साथ कुश्ती नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल मस्ती में गाते हैं। बिल्कुल तुम्हारे अंदाज भी सुनेगा रहे समझो। कहाँ गया कि लगता है मेला न जाने कहाँ। इस घर में है एक लड़की जवां। ये 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 और कहा गया कि पल के झुका के गुजरे जिस गली से। क्या बात है क्या बात है। कि पल के झुका के गुजरे जिस गली से आने जाने वालों से कहती मेरी उलझन है ये मेरी दुश्मन है ये बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है ये खिड़की जो बंद रहती है। क्या बात है जो हमने धुनी है ऐसे है। अभी आप भी धुनो अपने अंदाज ऐसे मेहनत करो। सुनेगा मैं दो पात्र ले रही हूँ। मैं दो सती नारियों की बात कर रही हूँ जिसमें एक है अहिल्या और दूसरी है वृंदा। भैया अब मिला क्या क्योंकि मिला कि कहीं नारी से नर कहीं नारी से नर कहीं नर का हुनर कहीं नारी से नर का प्रादुर्भाव हो रहा है तो कहीं नर से नारी का प्रादुर्भाव हो रहा है। जैसे देवताओं के तेज से एक नारी का उत्पन्न होती है सभी लोग जानते हैं तो कहीं नर से नारी का प्रादुर्भाव हो रहा है तो कहीं नारी से नर का हो रहा है। सुनेगा कहीं नारी से नर कहीं नर का हुनर बनी पत्थर सिला तो नौजीवन मिला ये नारी नारी ये नारी ये नारी नर से उद्धार होती है। नारी अहिल्या भगवान के चरण धूल मात्र से जो पत्थर बनी लेटी है ये नारी नर से उद्धार हो रही है। ये नारी नर से उद्धार होती है क्योंकि कि वृंदा अहिल्या थी दोनों
सपनों सती कि वृंदा अहिल्या थी दोनों सती लेकिन पहचान पाई ना अपने पति। चाहे वो अहिल्या हो और चाहे वो वृंदा हो, दोनों सती नारियों ने अपने अपने पति नहीं पहचान पाई और दोनों के साथ छल हो गया। जो दोनों के साथ छल हो गया तो होनी या अनहोनी इसको कहें कि होनी या अनहोनी इसको कहें या फिर विधाता की थी ये गति। और खास बात अजय भैया कि एक ने पत्थर तन पाया नारी नर को पत्थर बना रही है। वृंदा भगवान को श्राप दे देती है कि जाओ तुम शालिग्राम के पत्थर हो जाओ। एक नारी नर को पत्थर बना रही है और एक नर नारी को पत्थर बना रहा है। उधर अहिल्या के पति ने उनको श्राप दे दिया तो वो पत्थर की हो गई। तो एक ने पत्थर तन पाया, एक ने पत्थर होती है कौन वृंदा। तो ये नारी नर पे सवार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वो नारी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो नारी नर से उद्धार हो रही है अहिल्या और ये जो वृंदा है तुलसी दल के रूप में नारी नर पे सवार हो रही है। पत्थर तन पाया, इसने पत्थर बनाया, आधे की हिस्सेदार होती है। ये नारी नर पे सवार होती, ये नारी नर पे सवार होती, ये नारी नर पे सवार होती है। सुना भी आप लोगों ने, देखा भी। साधना जी को बहुत सुंदर सा कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर सुंदर बातें भी उन्होंने बताई हैं। नीचे वाले भी बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। और क्या कारण ये है कि जो आप करें वही अगर अजय अनुरागी कर जाएगा तो हम में आप में फर्क क्या रहेगा। कहाँ चले गए बेटा? साधना जी शेर शायरी आप बहुत करती हैं क्योंकि मैंने हर चक्र में एक दो शेरे आपको चिपकाते हुए देखा है। मैं ज्यादा शेर शायरी नहीं करता हूं लेकिन इच्छा हो रही है कि एक शेर पढ़ूं। वक्त का काफिला
गीति का फिला आता है गुजर जाता है ये आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है ये साधना जी चाहे हम हो चाहे आप कि वक्त का काफिला आता है गुजर जाता है ओ आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है ओ एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना ऐ दोस्त क्योंकि वक्त के दौर में इंसान संभल जाता है ये पहली बार आपने मेरे जवाब पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का प्रयास किया है। चलिए आगे आप पीछे हम तैयार हैं। और क्या मैंने एक बात कही कि आप अपने अंदाज में गाइए मुझे अपने अंदाज में गाना है तो आप कह रही हो कि भगवान करे तुम्हारा अंदाज हमको ना मिले आप ही ना मनाइए हम भी मनाते हैं कि हमारा अंदाज आपके अंदर ना आने पाए नहीं तो फिर आपके आगे हमें कोई नहीं पूछेगा खंड गीत मैंने दिया था कि आतंक के आकाओं की सजा दे एकदम साफ और सरल बात जबरदस्ती की बात नहीं है ना कि कोई शब्द फिट किया जाए बिल्कुल सीधी बात आतंकियों को सजा दे जो हमारा हमारा कश्मीर स्वर्ग जैसा था उसे एक बार फिर कश्मीर सजा दे ये तो एक बात मैंने कही थी ओके में घुस जाए हमारे सैनिक शासन अगर रजा दे उसको भी मिला ले उसके बाद आतंकियों को सजा दे सीमा के इस पार और जो सीमा के उस पार पीओके में बंकर बने हैं वहां घुस जाए और वहां भी आतंकियों को सजा दे फिर कश्मीर सजा दे लेकिन बस वो 56 इंची चल रहा है ठीक है साधना जी हो जो भी गाओगी ठीक हम ये नहीं कहेंगे कि जवाब नहीं है बहुत बढ़िया उस पे हम नहीं कहेंगे आपसे गीत का जवाब आपने दिया ठीक है लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए हमारे पंच परमेश्वर बैठे हैं मैं और किसी लिए संकेत नहीं कर रहा हूं मैं बस खाली हमसे और साधना जी से विद्वान आप लोग हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं जवाबी कीर्तन में जवाब या तो समकक्ष हो यानी समकक्ष अगर सर की बात की है तो कोई सर के समकक्ष बात आ जाए और क्या और या तो जवाब बिल्कुल विषमता से आए अगर मैंने सर की बात की थी तो समकक्ष दिल भी माना जा सकता है जवाब में अगर आप सीना ले आती तो मुझे भी ताली बजा के आपके जवाब का स्वागत करने का मौका मिलता और क्या लेकिन नहीं वो अगर विषम में लाती तो अगर मैंने सर के ऊपर की बात कही तो जवाब तब था जब तलवे के नीचे की बात की जाए
धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, जो भी आपने गाया लोगों ने सुन लिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि जवाब नहीं था। और साधना जी, मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो जवाबी के बाहर हो। गरिमा मई टीका टिप्पणी हमारी आपकी होगी। एक बात आपने कह दी कि अजय भैया आपके लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन कह सकती हूं कि आज जवाबी छक्के और चौके से। हम नहीं कह रहे, आपने कहा था। फिर आपने कहा चाट न लेना भैया तुम चूने के धोखे से। कई लाइनें आपने कही, लेकिन अब एक लाइन मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए ना मानिएगा, लेकिन मेरा कहना है कि छोड़ो जवाबी साधना जी, मैंने लिखा नहीं ना, बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि छोड़ो जवाबी महुरानी के मंच पे ऐसे मौके से। अरे छोड़ो जवाबी इस मंच से ऐसे मौके पे, गाना बजाना छोड़ के लग जाओ चूल्हे और चौके से। ये बात ये दुनिया जान लेगी ना, ना तुम्हारी जान लेगी। ये सब आनंद के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं है। गीत आपने गाया है और ये कहा है कि गाना बजाना प्यार का होता है। ठीक है, आप प्यार से गाइए, हम तो नफरत करके गाते हैं, हमें गाने दीजिए। सुने हम सब कौन सा लाठी डंडा लेके गा रहे हैं। हो मेरी उलझन है ये, मुझको तरसाती है ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती नारी से नर कहीं नर से हुनर,
बनी पत्थर सिला तो मिला नौ जीवन ये नारी नारी ये नारी ये नर से उद्धार होती है। और फिर आपने शालिग्राम और तुलसी की बात की और वहां पर एक लाइन आपने लगा दी कि नारी नर पे सवार होती है। साधना जी अगर शालिग्राम और तुलसी की बात कर रही है तो अजय अनुरागी आपकी इस बात का समर्थन नहीं करता है। आप बताइए क्या शालिग्राम नर थे? वो नर तो नहीं थे, वो ईश्वर थे। जय हो। वो ईश्वर थे, वो ईश्वर थे, नर नहीं थे। और फिर आपने कहीं पढ़ा हो तो हम नहीं जानते। आइए जब आप सुने शायद अच्छा लगे। दो सती दो उधर ली गई अहिल्या अहिल्या और वृंदा की बात आपकी तरफ से हुई है साधना जी। अब दो सतियां मैं ले रहा हूं, एक सावित्री और सीता। सुने सुने ये नारी वानर सफर एक दूसरे के पूरक। और क्या ये नारी वनर दोनों हैं हम सफर मांग सुनी हुई मांग ली मांग कर मांग सुनी हुई सावित्री मांग सुनी हुई और जब सुनी हुई तो हुआ क्या मांग सुनी हुई मांग ली मांग कर ये नारी वानर दोनों हैं हम सफर मांग सुनी हुई मांग ली मांग कर ये नारी नारी ये नारी नारी नर की तो जान होती है। नारी नर की जान है। अगर इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूं तो स्पष्ट भी हो जाएगी। कर दो महाराज। ओ आजकल अगर युगल जोड़ा है प्रेमी जोड़ा है हम वो बात मंच से नहीं कहेंगे लेकिन कह देते हैं। तो सुने ये नारी नर की तो जान होती है। सीता सावित्री दोनों लाजवंती सतपथ पे चलती रही सतवंती एक सहती वियोग एक करती सहयोग। एक सीता ऐसी है कि ब्याह कराई तो वनवास गई और रावण हरण करके ले गया वहां से लौट के आई तो त्याग हो गया। वो एक पति के साथ है हर जगह और जब पति दूर हुआ तो उसके प्राणों को भी यमराज के मुंह से निकाल लाई। सुने बात बात एक सहती वियोग एक करती सहयोग दो कुलों का सम्मान होती है। मायका
और ससुराल दो कुलों का सम्मान होती है। कैसे? अगर ससुराल में वो घर द्वार अच्छे से संभाल रही है तो लोग कह देते हैं कि फलाने की बहू बहुत अच्छी है। और क्या? वो अगर कोई काम गलत करती है तो मायके की ना करती है। तो सुने सुने दो कुलों का सम्मान होती है तो नारी नर की पहचान होती है। कैसे? सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, यानी राम से पहले सीता और श्याम से पहले राधे। तो सुने नारी नर की पहचान होती है, उन नारी तो नर की जान होती है। मजबूत खंडगीर का